12 12 में व्यूअर्स आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग तो आ गए हैं, मतलब चॉइस फिलिंग का रिजल्ट जो आपने फर्स्ट राउंड के लिए डाला था वो रिजल्ट आउट हो चुका है, मैंने तो ऑलरेडी आपको बोल दिया था। बट नेक्स्ट प्रोसेस का आपको क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस टाइम पे प्रोसेस क्या फॉलो करना है। तो मैं आपको दिखा तो कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे आपको ऐसी WBJEE के सारे अपडेट्स एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको पॉइंट वाइज मिलती रहेगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को ग्रुप पे एटलीस्ट एक बार शेयर कर देना। तो हाँ, यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हो ना सीट अलॉटमेंट जो न्यू करके ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो पहले। तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको प्रोसेस एक बार दिखा देता हूं, आप लोग देख लेना। पहले आप लोग इस पे क्लिक करो, इसके बाद आपका जो रिजल्ट अलॉटमेंट आया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सी यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे पहला क्या ऑप्शन आ गया, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन आपको दिखेगा। फर्स्ट थिंग व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये आपने आपको देखने पड़ेगा कैसे, ये लेफ्ट साइड पे फिर से देखो, लेफ्ट साइड पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो न्यू करके ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, उसको फिर से क्लिक करो। अगर आपने क्लिक करके उसको देख लिया तो इस पे कंप्लीट ऑप्शन लिखा चला आएगा, ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, इसके बाद आपको 5000 रुपीस जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग चेक कर लो यहाँ पे क्लिक करके, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करके कि आप आपका कहाँ पे सीट अलॉटमेंट आया है। लाइक यहाँ पे मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, जो मेरा स्टूडेंट था स्नेहादीप, आप देख पा रहे हो उसको अलॉटमेंट आया है, ठीक है, उसको अलॉटमेंट मिल गया रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे उसको मिल गया, उसका रैंक 6078 था, ठीक है। अच्छा, उसको पहले तो आप जब ये चीज़ आप लोग जब देख लिए तो फिर से आप लोग जब होम पे आओगे तो आपको वो कंप्लीट देखा। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन देखो, एक के बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, मैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके नहीं सकता बिकॉज वो YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो फी टाइप सीट एक्सेप्टेंस फीस, यहाँ पे सिलेक्ट मोड, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पे क्लिक करोगे 5000 रुपीज नीचे नील बटन पे क्लिक कर पे फीस पे जाके क्लिक कर, पे फीस, यस पे फीस पे क्लिक कर दिया, हो गया एकदम काम, आपने फी पेमेंट कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप जो है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आप डाउनलोड अभी नहीं कर सकते, जब आपने पे फीस कर देगा वो देखना, उसके बाद ये नील कलर का जो थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर, ये आप डाउनलोड कर पाओगे। हाँ, अभी नहीं कर सकते बिकॉज पे फीस के पहले वो नहीं किया जा सकता, ओके। सो डाउनलोड सीट एक्सेप्टेंस सीट अलॉटमेंट लेटर, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये तीन स्टेप है। अगर आपने ये तीन स्टेप कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको क्या दिखाएगा। अगर आपने ये तीन स्टेप कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे देखो ये जो व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कंप्लीटेड देख लिया, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर कर दिए तो ये इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा। और तीन नंबर पे डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये तीन ग्रीन कलर का कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। सो दैट्स द टोटल प्रोसेस, दैट्स द होल एंड टोटल प्रोसेस रिगार्डिंग योर WBJEE सीट अलॉटमेंट की फर्स्ट राउंड के बाद आपको क्या करना है। और उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है, वो सब चीज तो आपको करना ही है, मैं छोड़ देता हूं। बट पहले फिलहाल तो आपको ये सब चीजें, ये जो मैंने स्टेप्स बोला, ये स्टेप्स ऑनलाइन पे फिलहाल आपको ये स्टेप्स कर लेनी है। सो डू दिस ऑल थिंग एंड प्लीज कमेंट करके हमको बोलिए कि आपको कौन सी कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है। तो इस वीडियो में इंडिया स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।